दोस्तों ओटीटी में आने के बाद क्या है भाई साहब पठान के हाल। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका डे 57 के बॉक्स ऑफिस ऑफ पठान के गाइस प्रेडिक्शन के एपिसोड में। देखो भाई, बहुत दिन हो चुके हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दिन हो चुके हैं पठान को बॉक्स ऑफिस में रन होते हुए। मतलब आप लोग कह सकते हो यार, 2 महीने, मतलब परसों तो नहीं 26 तारीख को, हाँ जी 26 तारीख को, 26 जनवरी को मूवी रिलीज हुई थी और हम लोग 22 मार्च में पहुंच गए हैं। तब जाके गाइज यहाँ पे पठान ओटीटी प्लेटफॉर्म में अमेजन प्राइम में आया है। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी थिएटर में देख रखा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि भाई आपने एक्सटेंड वर्जन के लिए पठान को ओटीटी में जरूर देखा होगा। और वो गाइज कुछ ऐसे सीन देखने को मिले हैं जो आउटस्टैंडिंग है, टोटली गाइज सरप्राइजिंग है ओटीटी वाले वर्जन में। लेकिन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार, हम लोग तो अब घर में बैठ के देख सकते हैं, थिएटर कोई जा रहा है कि नहीं, कुछ कमाई आ रहा है कि नहीं, बात करेंगे इसके दोस्तों आज के हम लोग बॉक्स ऑफिस के बारे में और कल का क्या ऑफिशियल रहा, क्योंकि कल और आज में किस तरीके का अंतर आपको पता चल जाएगा। कल नहीं आई थी ओटीटी और आज आ चुकी है। उससे पहले आपसे भी एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि कल इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में परसों से ज्यादा कमाई की। अभी दोस्तों इसकी जो कमाई है 20-22 लाख रुपए से ऊपर की हो रही है। अगर हम लोग परसों की कमाई की बात करें तो 21 लाख रुपए इसने अपने डे 55 के दिन कमाया। दोस्तों 56वें दिन यानी कि कल के दिन इसकी कमाई 22 लाख रुपए एज अ ट्रेड फिगर हुई। यानी कि अगर हम लोग प्रोड्यूसर फिगरों की माने तो ये तो 25 लाख से भी ज्यादा इसने कमाई करी होगी कल के दिन। मुद्दा गाइज यहाँ पे यह है कि कल और आज में कितना अंतर आया। देखो भाई, शोज में दोस्तों ऐसा कोई गिरावट नहीं है। मुंबई में अगर 50 शोज है तो दिल्ली में भी दोस्तों इसके इतने ही शोज है, 50 से ज्यादा शोज है, मे बी 60 शोज होंगे। और गाइज अगर हम लोग यहाँ पे पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद इन सिटीज की बात करें तो यहाँ 20 से प्लस शोज है, 18, 19, 20, 21 इस तरीके के शोज है। यहाँ देखो गाइज, ओटीटी में रिलीज होने के बाद बहुत सी मूवीज चलती है, मतलब चलती रहती है, क्योंकि देखो भाई बहुत से ऐसे ऑडियंस हैं जो निकल लेते हैं घर से गाइज मूवी देखने के लिए, उनको मतलब नहीं होता है नहीं देखना उनको फोन में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं देखते भाई फोन में, नहीं देखते टीवी में, क्योंकि जो गाइज मूवी देखने का थिएटर में वो नहीं है भाई कहीं। अभी घर में मूवी लगा रहे हैं, कोई आ गया भाई, कोई मम्मी आवाज दे दी कि ये लिया वो लिया, तो गाइज मजा खराब हो जाता है। तो गाइज यहाँ पठान में भी वही सीन देखने को मिल रहा है मुझे इस वक्त के हिसाब से। हालांकि टिकट के रेट गाइज यहाँ पे कम हो गए हैं, 99 रुपीज के हिसाब से मूवी दिखाई जा रही है। कल तो भाई साहब नॉर्मल थे। अगर गाइस यहाँ पे हम लोग बात करें आज का हिसाब किताब कैसा है, ऑक्यूपेंसी किस तरीके की है, तो गाइस कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जनक सिनेमा न्यू दिल्ली। तो थोड़े बहुत गाइस यहाँ पे शोज मुझे मतलब सीट जो है वो फुल दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि समथिंग अराउंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 14-15% की ऑक्यूपेंसी। आज गुड़ी पड़वा है, आपको पता है कि नवरात्रि की शुरुआत है, तो आज तू झूठी में मक्कार इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों इसकी ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी चल रही है, जबकि ओटीटी में रिलीज कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रोहिणी के इस सिटी मॉल में भी दोस्तों काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। आपके सामने है भाई सब कुछ, सिनेपोलिस मोदी मॉल में गाइस यहाँ पे ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगा 99 रुपीज ओनली। तो हालांकि दोस्तों देखो कई जगह इसके जो टिकट के प्राइस है वो 200 रुपए भी है, ऐसा नहीं है कि सस्ता ही है, लेकिन मे बी मेनली गाइस ज्यादा सब जगह 100 रुपए 99 रुपए इस तरीके से है। तो आज के दिन भी इस मूवी को लोग देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसको नहीं देखा जा रहा, तो भाई देखा जा रहा है। तो गाइस आज की ऑक्यूपेंसी इसकी आप लोग कह सकते हो कि काफी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ कमाई गिरेगी। टिकट के प्राइस दोस्तों बहुत नॉर्मल लग रहे हैं कल के हिसाब से, तो यहाँ पे यश राज ने आज रहम कर दिया क्योंकि ओटीटी में सब लोग देख रहे हैं, लेकिन मेनली गाइस बहुत से जो लोग हैं वो भाई थिएटर में ही देखते हैं। क्योंकि देखो हमें लग रहा था कि बाहुबली पार्ट 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद अभी जो कमाई वो एकदम से गिर जाएगी, नहीं भाई साहब कमाई भाई करोड़ों में भी हुई है बीच में दोस्तों रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद। तो यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये मूवी चलती रहेगी, रिकॉर्ड बनाएगी गाइस, ये 100 दिन थिएटर में चलेगी, लिख के रख लो। तो आज ये मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में 15 लाख रुपए कमा सकती है, जबकि बाकी मूवीज की कमाई बढ़ रही है, इसके टिकट के रेट का कम है, मे भी दोस्तों ये कम कमाएगी। 15 लाख रुपए बहुत है यार, ओटीटी में आ चुका है। क्या कहना है कमेंट वाला, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।